नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार से निकलने वाले यानी कि बिहार की जमीन से निकलने वाले सोना, निकल और क्रोमियम के बारे में। बिहार में पिछले दिनों एक खबर बहुत ही तेजी से फैला था, जिसमें यह कहा जा रहा था कि बिहार में सोने का भंडार है। अब सोने की इसी भंडार की खुदाई शुरू होने वाली है। बिहार सरकार बहुत ही जल्द क्रोमियम, पोटेशियम और खनिज ब्लॉकों का खनन की शुरुआत करने वाला है। कहा जा रहा है कि खनन को लेकर टेंडर की प्रक्रिया बहुत ही जल्द शुरू हो जाएगी। बिहार सरकार के मंत्री जनक राम ने बताया कि जमुई, नवादा, औरंगाबाद के साथ साथ कई जिलों में बड़े पैमाने पर पोटाश, क्रोमियम और सोने का भंडार है, जिसका खनन बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। यह भी बताया गया है कि पोटाश का 3 ब्लॉक पाया गया है, जबकि 1 ब्लॉक क्रोमियम का पाया गया है। जबकि जमुई में पहले से ही सबको पता है कि सोने के का भंडार है, और जमुई के सोन प्रखंड में सोने का भंडार है जो कि मिला है। आपको बता दें कि पिछले दिनों ही केंद्रीय खान मंत्रालय ने बिहार सरकार को 4 खनिज ब्लॉक सौंपे थे। इस दौरान केंद्र सरकार ने खनिज सर्वे का पूरा दस्तावेज बिहार सरकार के मंत्री को सौंपा था, जिसमें क्रोमियम और पोटेशियम को प्रदेश के सासाराम, रोहतास, गया और औरंगाबाद में खुदाई का जिक्र किया गया था। साथ ही साथ केंद्र सरकार ने यह आग्रह भी किया था कि जितनी जल्दी हो सके इसकी नीलामी प्रक्रिया की भी शुरुआत कर दी जाए। प्रदेश में जिन जिलों में पोटेशियम और क्रोमियम ब्लॉक बनाए गए हैं, उसमें सासाराम, रोहतास में 10 वर्ग किलोमीटर का नड़बहिया ब्लॉक, 8 वर्ग किलोमीटर का टीपा खनिज ब्लॉक और शाहपुर में 7 वर्ग किलोमीटर का ब्लॉक जो है वो बनाया गया है। बता दें कि ये तीनों पोटेशियम के ब्लॉक होंगे। इसके साथ साथ औरंगाबाद और गया में क्रोमियम का ब्लॉक बनाया गया है, जो कि 8 वर्ग किलोमीटर का है। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि यह क्रोमियम का इस्तेमाल एविएशन और मोबाइल के इस्तेमाल में किया जाता है। इसका सीधा फायदा बिहार के लोगों को आने वाले दिनों में मिलने वाला है। केंद्रीय मंत्री ने बिहार सरकार से कहा है कि जितनी जल्दी हो सके राज्य सरकार इन ब्लॉक का अध्ययन करे और उतनी ही जल्दी से इसकी नीलामी की प्रक्रिया भी शुरू कर दे। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार को इसका लाभ सीधे तौर पर मिलेगा। आपको बता दें कि इसी साल मार्च के महीने में पहली बार माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट में संशोधन किया गया था, जिसके बाद से G4 स्तर यानी कि शुरुआती सर्वेक्षण में खनिज ब्लॉक की नीलामी की अनुमति दी गई थी। इससे पहले खनिज सर्वे की जिम्मेवारी सरकारी एजेंसी या फिर PSU के पास हुआ करती थी, लेकिन अब इसमें संशोधन किया गया है। क्रोमियम एक धातु है जो कि सफेद रंग की होती है, देख सकते हैं। यह जंगरोधी धातु है। यह स्टील को और भी कठोर बनाता है। इससे आप स्टेनलेस स्टील बना सकते हैं। इससे बॉल बेयरिंग, तिजोरी, कटिंग टूल्स का निर्माण किया जाता है। साथ ही साथ इसका इस्तेमाल एविएशन और मोबाइल बनाने में किया जाता है। दूसरा है निकल, जिसे आप खनन के बाद निकाला जाने वाला है। यह भी धातु ही है। यह धातु की एक श्वेत परत की तरह, यानी कि श्वेत का जो कण है उसकी पुट इसमें देखने को मिलता है। यह भी जंगरोधक होता है। कहते हैं लोहे में जंग लगने से यह बचाता है। इसका सही मामले में इस्तेमाल चुंबक उद्योग और स्टील को जंगरोधी बनाने में किया जाता है। बिहार में इस धातु के खनन होने से बिहार का आर्थिक विकास होगा। ऐसे में बस यही उम्मीद की जा रही है कि जितनी जल्दी हो सके इसकी खनन की प्रक्रिया शुरू की जा सके। तो एक तरह से कह लें कि बिहार में सोना, पोटेशियम और निकल के खनन की प्रक्रिया बहुत ही जल्द शुरू होने वाली है, जिसके बाद से बिहार का आर्थिक विकास होने लगेगा। बिहार और बिहार से जुड़े भी और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।